तो लेसन रहीसन टीचर्स आज का जो हमारा लेसन है उसके लर्निंग एरिया है, है, है हमारा लैंग्वेज एंड लिटरेसी इसीलिए हम साउंड की जो कैपिटल लेटर uh, की जो है रिकिग्निशन उसको भी डिवेलप करें हैं नर्सरी क्लास है तो टीचर ये जो साइट वर्ड्स हैं अगर आप इनको इसी तरह रूटीनली प्रैक्टिस कर रही हैं तो आप खुद देखेंगी कि बच्चों की जो लर्निंग है और रीडिंग जो है उसकी स्पीड बेहतर होती चली जा रही है तो प्यारे बच्चों किताब का सफर जो आपने देखा है उसके वो कुछ तस्वीर बनी है उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि ये आपको स्क्रीन क्या नजर आ रहा है ये है किसी कैट या डॉग के पैरों का प्रिंट ऐसा ही है और वो क्या है दैट इज अ पोटैटो सो दीज़ आर पॉज, जब कभी कोई डॉग या कैट गुजरती है या कोई काउ गुजरती है तो जमीन पे या उनके या मट्टी पे उनके पैरों के निशान बनते हैं ना उनको कहते हैं पॉज जो पंजा होता है उसको कहते हैं पॉज पॉ, और जो आलू जिसके आप चिप्स खाते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं पोटैटो सो टीचर्स इट इज नॉट पोटैटो इट इज पोटैटो अगर आप डिक्शनरी uh, से जो है कंसल्ट करेंगी गूगल पे आपको मिल जाएगी आप हर साउंड को हर वर्ड की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन को देख uh, सुना करें ताकि जब बच्चों से आप वो वोकेबलरीरी डिस्कस रही हैं और उनकी जो है वो वोकेबलरी बिल्ट करी हैं तो किसी गलत एक्सेंट uh, या साउंड के साथ ना हो दे शुड नो दिस इज़ अ पटेटो एंड दिस इज़ हाउ वी प्रोनाउंस इट तो बच्चों ये दोनों तस्वीर जो आपको नजर आ रही थी पॉज एंड पटेटो इसकी शुरू की आवाज़ से प, अब प से सोच के बताइए कि कोई और वर्ड आपके जेन में आता है जैसे कि पैर जैसे कि प पिजन गुड जैसे कि आपकी बुक का प पेज तो देखा जब आप सोचने लग जाएंगे तो आपको कितने सारे वर्ड्स मिल जाएंगे अभी आपने क्या करना है इस साउंड का देखना है फेस तो ये है प का कैपिटल लेटर है पी 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 दिस इज द कैपिटल लेटर पी और आवाज है इसकी प प, अब प के राइटिंग कैसे करते हैं जरा से देखिए वी फॉलो द फ्रॉम द नंबर वन वी गो डाउन स्टैंडिंग लाइन एंड देन वी कम बैक अप हियर फॉर द सेकंड स्ट्रोक And 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 follow number the 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 arrows and make the face of the sound But, letter इस साउंड से और कौन कौन सी चीजें बनती हैं तो आपके जहन पे और भी बहुत सारे अल्फाज आ जाएंगे तो हो सकता है इस साउंड का जो ताल्लुक है आपके नाम से भी हो तो जरा अपने नाम को पुकार के देखें कि क्या इसमें ये वाली साउंड है ये लेटर की आवाज है टीचर्स so, आज जो बुक का पेज है उसके ऊपर है कुछ वोकैबलरी कुछ वोकैबलरी है पिक्चर के साथ आज के लेटर का फेस उसकी साउंड और उसके साथ एक छोटी सी पोम एक आर्ट कॉर्नर एक्टिविटी और कुछ होम टास्क तो उसी पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे और आके लेसन को लेके चलेंगे तो बच्चों अभी आपने जो साउंड देखी जो उसका लेटर देखा लेटर लिखना देखा देखा अभी हम उसको प्रैक्टिस करेंगे सो टीचर्स द टीचर्स नोट फॉर यू हियर इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक आपने इसको फॉलो करना है तो बच्चों अभी आप आर्ट एक्टिविटी क्या करेंगे यू मेक योर ओन योगन आप अपने हाथ के ऊपर पेंट लगा के ऐसे आर्ट से चार्ट पेपर के ऊपर प्रिंट बना सकते हैं सो so, पर से प्रिंट भी बनता है गुड न मेक ये हाथ का जो प्रिंट बनाएंगे ऑनस ऑफ पर आपको याद रहेगा कि आपने कौन सी साउंड की थी टीचर इन दुक ये भी आप बच्चों से करवा सकते हैं दर आइडिया ऑल्सो गिवेन और ये काम बच्चे करेंगे बाद में जब अपनी किताब के पेज को कंप्लीट कर लेंगे सो so बच्चो आज के लेटर का क्या नाम है पी दिस इज द कैपिटल लेटर पी और इसकी साउंड है एंड कैपिटल पी और स्मॉल पी या बेबी पी भी वैसे ही लिखते हैं जैसे कैपिटल लिखते हैं सो यू कैन से दिस इज द मामा पी एंड दिस इज द बेबी पी दे लुक द सेम आर दे सो राइटिंग वैसे ही करेंगे हम और इसी की प्रैक्टिस करेंगे अपनी किताब के पेज के ऊपर लेकिन थोड़ी सी वोबलरी रिवाइज कर ले ये किस चीज़ की तस्वीर थी शुरू में हमने डिस्कस किया उसका नाम भी मैंने आपको बताया फो फो यानी उर्दू में जिसको कहते हैं पंजाब पो टीचर ये फ्लैश कार्ड आपके पास होना चाहिए पी प पॉ द नेक्स्ट इज पिक्चर ऑफ अ पोटैटो यस इट्स अ पोटैटो पी प पोटैटो अभी आप इसमें कलर करेंगे और पोटैटो का क्या कलर होता है इज इट ब्लू इज इट रेड नो इट इज ब्राउन यस आपने पटेटो में ब्राउन कलर ही करना है शाबाश या प्यारा प्यारा कलर कर लेंगे पटेटो में और पॉज में तो फिर टीचर आपको दिखाएंगी ये वर्कशीट जो आपने कंप्लीट करनी है जो आपके पेज के ऊपर है जो बारी बारी भी आपने मेरे साथ प्रैक्टिस किया ना वो आपने बुक के पेज के ऊपर मुकम्मल करना है काम सो टीचर प्रोपोज होमवर्क जो सजेस्ट किया हमने आपको आज के लेसन के लिए इट्स गिवन ऑन द पेज ऑफ द बुक बच्चे घर जाके भी इस साउंड से बनने वाली कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे एंड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्कशीट जिसमें आज बच्चों ने उस शेप uh, को जो है वो आइडेंटिफाई भी करना है कुछ राइटिंग भी करनी है और फिर एक छोटी सी एक्टिविटी भी है जो यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट करनी है बट आई विल नॉट स्पॉइल द फन टीचर आपको वर्कशीट देंगी और एक्सप्लेन कर देंगी कि आपने इसको क्या करना है तो so, आज के हमारे साइट वर्ड्स कौन से थे प पटेटो और प पॉ सो टीचर्स ये वर्ड्स आप इनकी वकैबरी में जो बैंक है उसमें एड करें यू कैन सेंड देम टू द लाइब्रेरी कॉर्नर टू फाइंड देम Or they can also sing a poem. You can divide the task. If you have space in the classroom, then sing it in the classroom. Otherwise, you can sing it in the playground. But library corner activity in with the children. So the poem goes: Panda had a party. All his friends were there. Porcupine and penguin, peacock and polar bear. Now, what is interesting about this poem? इसके कुछ एनिमल्स हैं जिनका नाम के शुरू में कौन सी साउंड है आज के लेटर पी की साउंड यानी प कैन यू पांडा ये वो एनिमल है जिसके पीछे बहुत सारे कांटे लगे होते हैं उसको पॉर्क्यूपाइन कहते हैं पेंगुइन प penguin आपको पता है इट्स अ स्मॉल एनिमल जो कि बहुत ठंडे एरिया में होता है ऐसे ऐसे करके चलता है इट्स अ पीकॉक मोर कभी आपने जू में मोर देखा है ढेर देख सारे रंगीन से उसके पर होते हैं गुड एंड देन पोलर पोलर बेयर बेयर जो रीच है वो बहुत ठंडे इलाके में रहता है सो so, टीचर्स हो सके तो इन एनिमल्स की जिनका इन पोम में जिक्र है बच्चों के साथ जरूर शेयर करें उनकी पिक्चर्स या इमेजेस और अब आप उनको आ, स्क्रीन के ऊपर कोई छोटी छोटी वीडियो और डॉक्यूमेंट्री भी दिखा सकती हैं सो so, बच्चों भी आप क्या करेंगे प्लेग्राउंड में जब आप जाएंगे तो आपने एक बर्ड है जिसके नाम के शुरू में की साउंड आती है वैसी आवाज निकालनी है कैन यू सी वट बर्ड इट इज इट्स अ पैरट यस सो पैरट की आवाज किस किस को निकालनी आती है जरा मुझे बताएं शाबाश बिल्कुल ऐसे ही आपने प्लेग्राउंड में जाके पैरट जैसी आवाजें निकालनी है और अपने फ्रेंड्स को बताना है कि आज हमने पर पैरट सीखा सो टीचर्स मेक श्योर दैट द चिल्ड्रन आर डूइंग द एक्टिविटीज सजेस्टेड एंड रेकमेंडेड बच्चों को खेल खेल में पढ़ाएं ताकि खुद भी इंजॉय करें और बच्चों को भी जो आप सिखा रही हैं वो कभी भी ना भूलें कंटिन्यू टेक केयर अल्लाह हाफिज